हाय गाइस, मेरा नाम हैरिस। एंड दोस्तों, अगर आप एक एमआई नहीं तो रेडमी का मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये वाला वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। आपके बहुत ही काम का है, क्योंकि दोस्तों मैं आज के इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो एक कंट्रोल सेंटर रहता है दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों 2 मिनट में, कुछ इस प्रकार का। ये दोस्तों एप्पल के फ़ोन में भी इसी तरह का कंट्रोल सेंटर आता है दोस्तों, एंड ये बहुत ही अमेजिंग दिखता है दोस्तों। इसके लिए आपको कोई ऐप को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, आपके मोबाइल में ही इनबिल्ड पहले से ये सेटिंग रहता है दोस्तों। मतलब इसे बस आपको अनेबल करना रहता है, उसके बाद आपका ये कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप इस वाले कंट्रोल सेंटर को कैसे सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब शुरू मैंने भी मोबाइल लिया था, तब मेरे भी मोबाइल में कुछ इसी तरह का कंट्रोल सेंटर आया था दोस्तों, एंड ये बहुत ही बेकार दिखता है, ओल्ड हो चुका है दोस्तों। इसे चेंज करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके डिस्प्ले का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है दोस्तों आपको। डिस्प्ले में क्लिक करते ही दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा, कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट, इसमें क्लिक करना है दोस्तों आपको। उसके बाद दोस्तों फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर में क्लिक कर देना है दोस्तों आपको। उसके बाद ये अनेबल हो गया दोस्तों। अब आपका ये जो थीम है, मतलब कंट्रोल सेंटर का थीम है, वो चेंज हो गया दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों, एंड ये मॉडर्न हो गया। एंड दोस्तों एप्पल्स के जो फ़ोन है उसमें भी कुछ इसी तरह का थीम आता है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आज के इस वाले वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा दोस्तों। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही होगा दोस्तों क्या करना है, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को एंड इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।